आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आपके पास दो एटीएम कार्ड हैं या फिर आपका एटीएम कार्ड कहीं पर रह जाता है या फिर आपका एटीएम कार्ड गिर जाता है तो आप अपने मोबाइल से ही योनो एप्लीकेशन के थ्रू किस तरीके से कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में अपने फ़ोन से आप यहाँ पर जो आपका कार्ड है उसे आप डिसेबल परमानेंटली और जो कि टेम्परेली कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोज़ को लाइक नहीं किया तो वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा। जैसे ही आप फ़ोन ले लेंगे और फ़ोन को ओपन करेंगे और आपको वहाँ पर योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। योनो एप्लीकेशन में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना दिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको स्क्रीन पर लास्ट में शो हो जाएगी। और आपने कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर अपना एम पिन एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना एम पिन एंटर कर दिया है और उसके बाद में हमारे सामने कुछ इसका जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर कार्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप में बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि माई डेबिट कार्ड और आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, इसी के साथ में माई प्रीपेड कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे कि माई क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो होता है जो कि आपको बैंक पर्सनली ही देती है, ठीक है, यानी कि वो आपको लोन यहाँ पर प्रोवाइड कराती है, इस तरीके से समझ सकते हैं। और आप उस लोन को खर्च कर सकते हैं और इसी के साथ में 55 दिन तक आपको कोई भी यहाँ पर ब्याज या फिर कुछ भी देना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्रेडिट कार्ड होता है और ये है माई डेबिट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एटीएम कार्ड जैसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सिंपली क्लिक कर देंगे तो जो भी आपके यहाँ पर डेबिट कार्ड होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अभी तक कोई भी नहीं बताता होगा इस चीज़ के लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आपके कार्ड होंगे आप यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक ही कार्ड है तो आप यहाँ पर एक ही कार्ड के लिए ब्लॉक करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्लॉक कार्ड का ऑप्शन मिल जाए नीचे, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि टेम्परेली ब्लॉक कार्ड, ठीक है। आपको यहाँ पर टेम्परेली वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर टेम्परेली ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि इस समय आप ब्लॉक कर देंगे और उसके बाद में आप इसे एक्टिव यानी कि चालू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको एक न्यू कार्ड इशू करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये कब किया जाता है, जैसे कि अगर आपको लग रहा है जो आपका एटीएम कार्ड है वो घर पर रह गया है, ठीक है, इसी के साथ में जो उसकी इंटरनेशनल सुविधा है वो चालू है, या फिर आपको लग रहा है किसी को पिन पता है और आपका एटीएम कार्ड भी घर पर ही है, ठीक है, तो ऐसे में आप टेम्परेली यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो कार्ड का कोई भी यूज नहीं कर पाएगा जब तक आप यहाँ से चालू नहीं करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मिल जाता है परमानेंटली ब्लॉक कार्ड, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह है, जैसे ही आप सिंपली परमानेंटली क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप इस कार्ड को दोबारा इनेबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको एक न्यू कार्ड यानी कि अप्लाई ही करना होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर आप परमानेंटली ब्लॉक करना चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे और आप यहाँ से कर सकते हैं, और आप टेम्परेली ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस, ठीक है। और जैसे कि टेम्परेली ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और परमानेंटली या चाहते हैं तो आप परमानेंटली पर सिंपली क्लिक करेंगे, यस हाँ मैं परमानेंटली चाहता हूं। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालकर आप यहां पर सबमिट कर देंगे। इससे यह है कि जो आपका कार्ड है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप उसे एक्टिव नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप परमानेंटली और आप यहाँ पर टेम्परेली दोनों ही तरीके से आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसी के साथ में एक नए रूल्स आए हैं, अगर आप एटीएम कार्ड चलाते हैं तो जैसे कि पहले था वो जो कि आपको यहाँ पर पैसे पे करने पड़ते थे 147.50 रुपये, ठीक है। पर अब यहाँ पर ये 2024 में 1 अप्रैल से एक न्यू जो रूल है वो यहाँ पर चालू हुआ है, वो क्या हुआ है, आपको यहाँ पर अब यानी कि 147.50 रुपये पे करने नहीं होंगे, आपको पैसे पे करने होंगे 236 रुपये,
ठीक है, वो भी चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो पहला वाला मैसेज है इसमें लिखा है डियर कस्टमर योर अकाउंट, ठीक है, जो कि अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा है लास्ट के अंक और इसी के साथ में हैव ए डिविडेंड बी ट्रांसफर ऑफ यानी कि आर एस यानी कि 147.50 पैसे जो कि आपको सालाना यहाँ पर चार्ज अपने एटीएम कार्ड का देना पड़ता था, ठीक है, तो वो यहाँ पर कट गया था यानी कि जो कि 2024 से पहले यानी कि ये 1 अप्रैल थी उससे पहले का जो अमाउंट कटा था दूसरे महीने में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं मंथ यानी कि 9 तारीख दूसरा महीना और 2024, ठीक है। इसी के साथ में अब यहाँ पर देखते हैं 236 रुपये और 23 तारीख चौथा महीना 2024 में जो कि डेबिट कार्ड के जो पैसे हैं वो यहाँ पर कटे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये यानी कि वो भी 24 में कटे हैं और ये भी 24 में कटे हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरे 2 कार्ड थे, 1 कार्ड को मैं यूज नहीं कर रहा था, पर जो इसी पैसे कटे हैं और मुझे पता लगा कि हाँ मेरे जो पैसे क्यों कटे, मैंने बैंक वालों से कॉन्टेक्ट किया और उसी के बाद में उन्होंने बताया कि जो पैसे हैं आपके यहाँ पर ATM कार्ड के, जो कि आप क्रेडिट कार्ड होता है वो अलग चीज़ होती है और जो आपका ATM कार्ड होता है वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो जो ATM कार्ड आप चला रहे थे उसके यहाँ पर पैसे कटे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 ATM कार्ड थे उन्होंने बताया, और जो कि 1 ATM कार्ड के पहले कट गए थे तो उस समय ये सुविधा यानी कि जो नियम है वो लागू यहाँ पर नहीं हुआ था, और जो कि 1 अप्रैल से यहाँ पर लागू हुआ है, तो दूसरा ATM कार्ड मैंने बाद में इशू कराया था तो उसी हिसाब से अप्रैल में ही कराया था, तो उन्होंने अप्रैल में ही जो पैसे हैं 236 रुपये काट लिए यानी कि 1 ATM कार्ड के, तो लगभग इन्होंने 90 रुपये यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। आप इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं यानी कि अगर आप ATM कार्ड अगर आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर 236 रुपये देने होंगे, जो कि इसमें GST वगैरह सब कुछ लगकर होता है, ठीक है, 236 रुपये तभी बैठ रहे हैं ये। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पर नियम अब यहाँ पर ये लागू हुए हैं, अगर आप पेटीएम यूज कर रहे हैं तो आपको इनके बारे में पता होना ही चाहिए। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।